नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वचन पत्र जारी किया। इंदौर में लागू होगा दिल्ली मॉडल, सरकारी स्कूलों में मिलेगी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा। इसके अलावा हर वार्ड में खुलेगा मोहल्ला क्लिनिक, शहर में लोगों को फ्री मिलेगा पीने का पानी, अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, पालिका बाजार की तरह यहां पर बहुमंजिला मार्केट बनेगी, हर जोन में बनाई जाएगी गौशाला, तो अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध। ये तमाम बातें इसमें कही गई संकल्प पत्र में। पालिका बाजार की तरह बहुमंजिला यहां पर बाजार बनाई जाएगी, मार्केट बनाई जाएगी, तो हर जोन में गौशाला बनाई जाएगी, हर वार्ड में खुलेगा मोहल्ला क्लिनिक। तो बड़ी खबर है इंदौर में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी। योगी और मैं अपने माध्यम से इंदौर के 5 ब्रिज का काम 6 महीने के अंदर चालू करके दिखाऊंगा और इंदौर में ब्रिज बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इंदौर में यातायात के लिए बहुत ज़रूरत है। आदरणीय संजय वर्मा जी जब मंत्री थे उन्हें भी प्रयास करा, उसको भी कैंसिल करा दिया, पर इंदौर के अंदर यातायात की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे सहयोगी ओर से, उसमें नगर निगम और सरकार का कोई सहयोग नहीं रहेगा। महापौर बनते ही सबसे पहले ब्रिज के डिजाइन काम चालू होगा और 3-4 महीने में काम चालू हो जाएगा, 5 ब्रिज का एक साथ काम चालू होगा। इसमें ना नगर निगम से पैसा लिया जाएगा, ना सरकार से पैसा लिया जाएगा। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में हम खुद बोल रहे हैं कि हम इस नगर निगम में आने के बाद इंदौर की जनता पे कोई नया कर नहीं लगाएंगे, हम अपना पैसा जनरेट करेंगे और शहर का विकास करेंगे। बात स्टार्टअप की है, सवाल ये है कि अभी हम थोथी घोषणाएं नहीं कर सकते। हेमंत शर्मा इसी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी हेमंत। आज यहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया गया, क्या अहम बातें रही हैं, क्या कहा गया यहाँ पर? हाँ देखिए, बिल्कुल, अभी तो जैसा कि नगर निगम चुनाव का प्रचार का ये अंतिम दौर चल रहा है, दोनों ही पार्टियां जो है वो लगातार जनसंपर्क में जुड़ी हुई हैं और इंदौर में अब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक बड़ी घोषणा ये की गई है कि इंदौर में 5 ओवर फ्लाई ओवर ब्रिज संजय शुक्ला जो प्रत्याशी वो अपने खर्चे से बनाएंगे। इसके अलावा जो कोरोना पीड़ित हैं उनको भी 20,000 रुपये वो अपने खर्चे से देंगे। इसके साथ साथ जो अस्थायी ठेला चालक है, जो स्थान पर नहीं रहते, उन्हें अलग अलग जगहों पर भटकना पड़ता, उन्हें भी यहाँ पर स्थानीय लाइसेंस देकर एक जगह स्थायी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी शुल्क है, प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट देने की बात की गई है, नया शुल्क कोई नहीं लगाया जाएगा। ये साफ बात जो है वो यहाँ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं। घोषणा पत्र में बातें तो काफ़ी हैं, लेकिन जब लोगों से भी बातचीत की थी इस पूरे घोषणा पत्र को लेकर, तो उनका साफ कहना था घोषणा पत्र जब भी आता है दोनों ही पार्टियाँ अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर बातें तो काफ़ी करती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है, वो कभी धरातल पर वो पूरे वादे नहीं हो पाते। हमने भी कई वार्डों का यहाँ पर जो निरीक्षण किया था, उन कई वार्डों के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिली कि ये स्वच्छ शहर इंदौर के अंदर कचरों का ढेर कहीं पे मिला है, कहीं पे लोग ड्रेनेज की समस्या से परेशान है, तो कई बड़ी बड़ी समस्याएं जो इंदौर में है। और इस बीच घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोग जो है यहाँ पर ऐसे भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं कि ये घोषणा पत्र जारी होने के बावजूद भी लोगों का साफ रुख है कि वो जो भी प्रत्याशी उनके क्षेत्र का काम करने वाला है वो उसी को चुनेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर है कि वहाँ पर चुनाव को लेकर तैयारियाँ जिस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके बाद चुनाव का अंतिम दौर जब पहुँचा यहाँ पर और चुनाव जब एकदम अब हो रहे हैं, उस बीच एक संकल्प पत्र लाया गया, तो क्या यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो मुख्य बिंदु थे, वो क्या रहे? इसके किस तरीके से मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई है, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें यहाँ पर स्थानीय लोगों को रहती हैं चुनावों से। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी अगर समस्या की बात की जाए तो बेरोजगारी है, तो यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही जा रही है। इसके साथ साथ जो बहुमंजिली इमारतें के लिए जो परमिशन होती हैं उनको आसानी से परमिशन दी जाएगी, 7 दिनों के अंदर इमारत की परमिशन जो नक्शा पास करके उनको दे दी जाएगी, तो इस तरह की कई बड़ी घोषणाएँ तो यहाँ पर कांग्रेस ने की हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ व्यापारियों को लेकर, तो व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस की भी एक समय सीमा होगी, 7 दिनों के अंदर वो ट्रेड लाइसेंस व्यापारी को मिल जाएगा, जिससे व्यापारी को व्यापार करने में आसान होगा और जल्दी से वो अपना व्यापार जो वो शुरू कर सकता है। जी अभितोष बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका।